उत्तर प्रदेश में अमेरिका की कंपनियों ने सरमायाकारी की जाहिर की ख्वाहिश। 5 रोजा अमरीकी दौरे से वापस आए वजीर सेहत सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियां डिफेंस कॉरिडोर में सरमायाकारी की हैं ख्वाहिशमंद। अमरीका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी करेगी रियासत में जेई मुतासरा जिला में मदद। तिब्बी सहूलियात के लिए यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करने का लिया गया फैसला। वजीर मुमलिकत बराए दफा सुभाष भामरे ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के क्याम से रियासत में 2.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। आईआईए लखनऊ चैप्टर के प्रोग्राम में उन्होंने दी इत्तला। पेट्रोलियम वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने जीएसटी काउंसिल से पेट्रोलियम मसनूआत को जीएसटी के दायरे में लाने का किया फैसला। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं जीबा शहाब, और अब खबरें तफसील से। रियासत में इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। ये बात रियासत के काबीना वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। 5 रोजा दौरे पर वफद के साथ अमरीका गए सिद्धार्थनाथ सिंह ने वापस आकर बताया कि वहां पर इन्वेस्टर्स के साथ बेहतर माहौल में बातचीत हुई और उन्होंने रियासत में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने बताया कि अमरीका की बड़ी बड़ी कंपनियां बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और हनीवेल डिफेंस कॉरिडोर में सरमाया करने की ख्वाहिशमंद हैं। इस विजिट का जो प्रमुख बिंदु है वो 2-3 है, जिसको पहले उल्लेख कर देता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि यूपी इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, अब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरफ जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंदर जो सबसे प्रमुख कोई राज्य आता है, कोई कंट्री आती है, वो अमेरिका आती है। और अमेरिका का निवेश जो है, आपने चाहे गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी हो, उसकी आवश्यकता बहुत है। और वो सबसे बड़े भारत के अंदर जो एफडीआई आता है उसमें वो पहले 5 राज्यों में है। और जो प्रधानमंत्री की जो फेडरल स्ट्रक्चर भी है उसके अंदर भी यह है कि कंपटीशन होना चाहिए हर राज्य का, और अपने आप जो केंद्र की पॉलिसी है उसको, जो राज्य की सपोर्टिव पॉलिसी होती है उसके साथ आप जाके वहां पर निवेश की बात करेंगे। तो हर राज्य जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश, हम लोग को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ जब हम लोग वहां पे गए और वॉशिंगटन डीसी गए, तो जो अमरीकी अधिकारी थे उसमें से जो मैं कहूंगा सेक्रेटरी लाइन के, और सेक्रेटरी वहां पे कहते हैं मिनिस्टर को, उसके नीचे जो होते हैं डिप्टी सेक्रेटरी वो कहते हैं सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होते हैं, उस रैंक के जब ऑफिसर हमसे मिले तो उन्होंने कहा इस प्रकार का उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। और मैं खुशी है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वो इस इतना एग्रेसिवली आया है अमेरिका की, अमेरिकन कंपनीज के साथ बातचीत करने के लिए। ये पहला एक मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश का अमेरिका एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर जो नियोजित प्रकार से तरीके से कोई डेलीगेशन जाता है वो गया था। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का पहला दौरा था जो रियासत में सरमायाकारी के लिए अमरीका में अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि वहां की कंपनियों ने बताया कि एमसीई और आईटी सेक्टर का ताउन उनको चाहिए जो उत्तर प्रदेश में उन्हें बेहतर तरीके से मिलेगा। उन्होंने बताया कि एविएशन सेक्टर में भी अमरीकन कंपनियों ने सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखाई है। निकली कि यूएस को इंडिया के साथ सक्सेसफुल होना है तो जो भारत का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो उत्तर प्रदेश है, उसके साथ भी उनको अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। तो उस दिशा में शायद ये हम पहला राज्य है भारत का जिसने जो फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी को उत्तर प्रदेश से लिंक करते हुए सामने रखा है, और उसको बहुत हम लोग को अप्रिशिएट भी किया गया है। और इस दिशा के अंदर हेल्थ के लिए भी अनेक प्रोग्राम्स में बातचीत हुई जिसके अंदर प्रेस नोट में डिटेल है, मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूं। वो हम उन लोगों का प्रयास है कि
जो प्रिवेंशन रोकथाम का है वो उस पर बल दिया जाए, चाहे वो कैंसर हो, हृदय रोग हो, तो चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कार्डियक का हो, हृदय रोग हो, चाहे वो हेपेटाइटिस सी हो। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगाना चाहते हैं, जिसमें बड़े नाम है इंटेल, आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में, ओरेकल है, सिस्को है, फिर एक बड़ी कंपनी है जो फ्रांस की उसने खरीदा है, एक आईटी कंपनी खरीदी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल की ये हो गया कि आपको बड़ा डाटा मिलता है, ह्यूमन इंटरफेस, कोई आदमी उसको देखता नहीं, मगर वो उसके एनालिसिस कर लेते हैं, वो उसके बाद हम लोग को देते हैं, उसमें सहूलियत होती है। तो ये आईटी क्षेत्र के अंदर काफी लोग आना चाहते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है और बहुत खुश थे कि, और उन्होंने जिक्र भी किया कि 5-6 राज्यों से हम लोग मिले, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ऐसे करके महाराष्ट्र सबका जिक्र किया और कहा कि सर आपकी ही आईटी पॉलिसी जो है वो इतनी अच्छी और इतनी एग्रेसिव है कि दूसरे राज्यों के हम लोग को अब कमजोर दिखती है, और हम उम्मीद करेंगे अपना इंटरनली डिस्कस करके कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग को निवेश करना चाहिए। एक बड़ी बात जो सामने निकल के आई, सभी कंपनियों से जब बातचीत कर रहे थे, उन लोगों ने बहुत प्रशंसा करी कि एक उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार आई है योगी जी के नेतृत्व की, वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता वाली सरकार आई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के कयाम के ऐलान को लेकर रियासत और मरकजी सरकार सरगर्म हो गई हैं। प्राइवेट सेक्टर की सनतों के डिफेंस कॉरिडोर में सरमायाकारी करने के लिए मुख्तलिफ कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ में आज इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें मरकजी वजीर ममलिकत बराए दफा डॉ सुभाष रामाराव भामरे और उत्तर प्रदेश सरकार के वजीर सनत सतीश महाना और बड़े पैमाने पर सनतकारों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर जनाब भामरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश से फौज में सबसे ज्यादा जवान तैनात हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में डिफेंस कॉरिडोर बनने से 2.5 लाख लोगों को रोजगार दस्तयाब होगा, साथ ही रियासत की तरक्की भी होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हाईवे बनाए जा रहे हैं और रेलवे नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर तामीर भी कर रहा है, जो रियासत के ज्यादातर शहरों से होकर गुजरेगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जिस दिन से इस कॉरिडोर के कयाम का ऐलान किया है, रियासत और मरकजी सरकार बड़ी सनतों के साथ साथ छोटे और मुतवसत इकाइयों को भी सहूलतें दे रही है। सबसे ज्यादा जवान उत्तर प्रदेश से आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। जो देशभक्ति का जज्बा उत्तर प्रदेश में दिखता है वो सराहनीय है, और आज हम सब एक ऐतिहासिक दौर पे इंटरेक्शन पे आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मैं समझता हूँ आज के इस इंटरेक्शन से यूपी डिफेंस कॉरिडोर के संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स हो, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स, फोर्सेस के पर्सनल, इंडस्ट्री के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, काफी एमएसएमई के लोग भी हैं, और इस इंटरेक्शन से जो उभरेगा, जो बातें सामने आएगी, तो उसका काफी फायदा आने वाले दिनों में होना है। सरकार ने नक्सलियों को माली इमदाद रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार नक्सली लीडरों की जायदाद भी जब्त कर रही है। सरकार ने कहा कि वह नक्सलियों पर कार्रवाई तेज करने के लिए मरकजी एजेंसियों और दीगर पुलिस अफसरों को मिलाकर एक ग्रुप बनाएगी। नक्सली के नाम पर लोगों को डरा धमका कर लेवी वसूल करके गैर कानूनी जायदाद हासिल करने वाले नक्सलियों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कुंडा थामले के तहत दीवार के बाशिंदे नक्सली विनय यादव उर्फ गुरुजी की बेटी और दामाद, बीवी और ससुर की जायदाद को कुर्क करने के लिए सम्मन जारी किया गया है। नक्सली कमांडर विनय यादव के ऊपर तकरीबन 40 मामले मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। 10 से ज्यादा मामलों में चार्जशीट अदालत में सौंपी जा चुकी है। नक्सल के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा जायदाद मुख्तलिफ मुकामात पर होने की वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विनय यादव के अलावा उनके घर वालों को भी सम्मन जारी किया है। जल्द ही जायदाद को भी जब्त कर लिया जाएगा। पेट्रोलियम वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम मसनूआत को जीएसटी के दायरे में लाने का मतालबा किया है। दिल्ली में मुनाकिद एक प्रोग्राम में पेट्रोलियम वजीर ने जीएसटी काउंसिल से अपील की है कि कम से कम साफ ईंधन यानी कुदरती गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी की दायरे में ले आना चाहिए। कम से कम सबसे स्वच्छ ईंधन नेचुरल गैस को जीएसटी की दायरे में ले आना चाहिए, ये हम लोगों की सुझाव है। ग्राहकों को एक और अफोर्डेबल तरीके से कमोडिटी को पहुंचाने के लिए जीएसटी के दायरा में यह आ जाएगा तो एक इन्फॉर्मिटी बनेगी, व्यवसाय के लिए सुविधा होगा। नूरपुर जिमनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार की नामजदगी में शामिल होने से कबल भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर महेंद्रनाथ पांडे ने आज मुरादाबाद में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की, जिसमें इंतखाबात के सिलसिले में तंजीम की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नूरपुर और किराना में होने वाले दोनों जिमनी इंतखाबात जीतेगी। इन जिमनी इंतखाबात में पार्टी तरक्की के मुद्दे पर अवाम के दरमियान जा रही है। इंतखाबात में मरकज और रियासत की हुसूलियाबियों को सामने रखकर अवाम से वोट मांगे जाएंगे। उन्नाव की तहसील पुरवा के गांव मुसंडी में अलहाज सूफी सैयद मोहम्मद जकरिया शाह उर्फ गुलाम साबिर हसनी का 22वां चार रोजा सालाना उर्स जकरिया शाह की दरगाह पर चादर पोशी के साथ शुरू हुआ। जिला जज जनाब वकार अहमद सिद्दीकी और जिला पुलिस कप्तान हरीश कुमार ने मुश्तरका तौर से सरकारी चादर चढ़ाई। वहीं कई रियासतों से आई जायरीन ने चादर पोशी और गुलपोशी करके मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। मुंबई के मशहूर काही कव्वाल ने महफिल में समा बांध दिया। इस मौके पर ख्वानदगी कैंप का भी इनेकाद किया गया। उर्स के मुंतजिम मुन्ना साबरी ने कहा कि दूर दूर से सभी मजाहब के लोग बाबा के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये उर्स हिंदू मुस्लिम यकजहती की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। इसमें सारे प्रांत से लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, अंतिम देश के कोने कोने से लोग श्रद्धालु आए हुए हैं जो बाबा के फॉलोअर हैं। जो भी आता है उनकी यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। 7, 8, 9, 10 मई का ये उर्स मनाया जाता है। 4 दिवसीय उर्स रहता है, दूसरा दिन है उर्स का। मैं जो यहाँ पर मांगता हूँ वो मुझे मिलता है और लोगों का भी यही है कि जो यहाँ पर मांगा जाता है वो सब उन्हें भगवान की तरफ से मिल जाता है। बिजनौर जिले की नूरपुर सीट के लिए आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इत्तेहाद के उम्मीदवार नईमुल हसन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इससे कबल बीजेपी के उम्मीदवार अवनी सिंह ने भी अपनी नामजदगी का पर्चा भरा। उनकी नामजदगी में राज्यसभा रुक्न कांता करमदम, रुक्न पार्लियामेंट भारतेंद्र सिंह, रुक्न पार्लियामेंट यशवंत सिंह और एमएलसी अशोक कटारिया भी मौजूद थे। नामजदगी के बाद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अवनी सिंह ने कहा कि आंजहानी लोकेंद्र चौहान के जरिए इलाके में किए गए कामों की बुनियाद पर मकामी लोग उनको ही वोट देंगे। उन्होंने कहा कि उनका खास मकसद लोकेंद्र चौहान के नामुकम्मल कामों को मुकम्मल करना है, जबकि इत्तेहाद के उम्मीदवार नईमुल हसन ने रियासत के नज्म नसक पर सवाल उठाते हुए मरकज और रियासती सरकार को नाकाम बताया और कहा कि इत्तेहाद के आगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत मुमकिन नहीं है। मेरे पति स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह चौहान के जो अधूरे सपने थे वो मैं सब पूरे कर दूंगी और जनता की जैसे सेवा करते थे उसी निष्ठा से मैं भी सेवा करूंगी। एक तो पहले मैं ये बताऊंगी मेरे पति स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह चौहान जिस निष्ठा भाव से राजनीति कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, क्षेत्र का विकास कर रहे थे, उस नाते जनता के दिलों में उनके लिए बहुत प्यार है। कानून साज कौंसिल के लिए 9 मुंतखब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मेंबरान ने आज ओहदे और राजधानी का हलफ लिया। असेंबली में चेयरमैन रमेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल और बहुजन समाज पार्टी के भीमराव अंबेडकर को हलफ दिलाया। इस मौके पर अहमद हसन समेत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई लीडर मौजूद थे। इससे कबल बीजेपी के सभी 9 मुंतखब मेंबरान ने कल हलफ लिया था। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में अमेरिका की कंपनियों ने सरमायाकारी की जाहिर की ख्वाहिश। 5 रोजा अमेरिकी दौरे से वापस आए वजजेई मुतासराय जिला में मदद। तिब्बी सहूलियात के लिए यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करने का लिया गया फैसला। वजीर ममलिकत बराए दफा सुभाष भामरे ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के कयाम से रियासत में 2.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। आईआईए लखनऊ चैप्टर के प्रोग्राम में उन्होंने दी इत्तला।
पेट्रोलियम वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने जीएसटी काउंसिल से पेट्रोलियम मसनूआत को जीएसटी के दायरे में लाने का किया फैसला। इसी के साथ खबरें खत्म हुई, इजाजत दीजिए, शब खैर।